वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि आखिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी अमृतसर क्यों नहीं गए। अमृतसर की धरती पर यदि आप देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन का कोई भी निशान आपको नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु अर्जन देव जी के समय से ही भाई पृथ्वीचंद गुरु अर्जन देव जी से नफरत करते थे, क्योंकि जो गुरता गद्दी है वो गुरु अर्जन देव जी को मिली, वो भाई पृथ्वीचंद को नहीं मिली। गुरु अर्जन देव जी के बाद यही गुरता गद्दी गुरु हरगोविंद साहिब जी को मिली और उनके बाद गुरु हर राय जी को। गुरु हर राय जी गुरु हरगोविंद साहिब जी के पोते थे और उनके पोते ने गद्दी उसके बाद में अपने बेटे को दी, गुरु हरकृष्ण जी को। गुरु हरकृष्ण जी ने फिर से जो गुरता गद्दी है वो अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी को दी। ये सारा यहाँ तक एक ही परिवार है। गुरु तेग बहादुर जी के घर में गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को गुरता गद्दी गुरु तेग बहादुर जी से मिलती है। जिस समय तक गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से युद्ध लड़ने में बिजी होते हैं, उधर जो गुरता गद्दी है या अमृतसर की गद्दी है वहाँ पर पृथ्वीचंद कमीने का कब्जा हो गया होता है। पृथ्वीचंद का बहुत ही बुरा व्यवहार होता है अमृतसर के लोगों के साथ। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी का टाकरा, गुरु गोविंद सिंह जी का जो उद्देश्य था वो बड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी का टाकरा मुगल हुकूमत के साथ था, गुरु तेग बहादुर जी का टाकरा भी मुगल हुकूमत के साथ था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के समय पहाड़ी राजा, 22 धार के पहाड़ी राजा, वो भी लगातार गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमले कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो मुगल थे, मुगल शासक, भारत के मुगल शासक, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी से खफा चल रहे थे। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो बहुत बड़ा था। और इसलिए उन्होंने परिवारवाद और उस गद्दी की लड़ाई को छोड़ के उनका जो टीचा था, जो उद्देश्य था, उसके ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी का समय नहीं लगा या वो जाना नहीं चाहते थे अमृतसर उस गद्दी की लड़ाई में।